भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने तीखे और बेतुके बयानों के कारण काफी चर्चा में रहती हैं। हाल ही में प्रज्ञा सिंह ने ममता दीदी पर निशाना साधा है। जी हां, प्रज्ञा सिंह ने सीधे सीधे ममता दीदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बंगाल की हिंसा पर तंज कसते हुए कहा कि संतों और वीरों की भूमि पर अब तो राम बनना ही होगा। इस बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव के मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की सीता का अपहरण करने पर वह कुछ कहती तो बेहतर होता। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब प्रज्ञा सिंह ने दीदी के बारे में बोला हो। इससे पहले भी बंगाल हिंसा पर प्रज्ञा सिंह ने ट्वीट कर लिखा था कि बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार अपडेट फॉर टैट करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन और एनआरसी बस यही उपाय है। इस बयान पर पलटवार करते हुए के मिश्रा ने कहा कि कोरोना के कहर से लाशों के ढेर से बेखबर प्रज्ञा सिंह अचानक प्रकट हो गई, वह भी बंगाल व ममता बनर्जी को लेकर। वह ये बताती कि भोपाल में कितनी मौतें हुई हैं तो बेहतर होता। गौरतलब है कि प्रज्ञा सिंह अपने तीखी बोली से किसी भी मंत्री पर निशाना साधने में पीछे नहीं हटती और जो भी कहती हैं वे ज्यादातर आपत्तिजनक बयान ही होते हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।